कैसे सब लोग, आई होप खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, मैं कुछ दिनों से वीडियोस पे नहीं आ रहा था, मेरा कुछ पर्सनल इशू था इसलिए वीडियोस पे नहीं आ रहा था। तो अभी हम मोहसिन भाई के साथ वीडियोस पे जुड़ चुके हैं। तो बाहर जाके देखा बर्फ आ रहा था तो बस के पास आ गए भाई, सवारी ही नहीं थे इसीलिए हम घर की तरह वापस चले गए। तो सुना भाई लोग आपने, तो आज बहुत बर्फबारी हुई है भाई, लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, इतना बर्फ में तो क्या है भाई, एक दो फुट बर्फ में। इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमारे सब्सक्राइबर्स को? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिफ हुसैन है, मैं बस का मालिक हूँ। मैंने काम नहीं बोला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज हमारा सुबह जाने का इरादा था तो नीचे तक गए थे, हम स्टैंड तक गए थे, वहाँ सवारी नहीं था इसलिए हमने उस्ताद को बोला मैंने आज नहीं जाएंगे। उस्ताद ने बोला क्या पता सवारी नीचे होगा, तो इसलिए हम नीचे तक गए तो कोई भी सवारी नहीं था, दो तीन थे, उन्होंने बोला चलो चलो, हमने बोला क्योंकि बस स्लिप होता है इसीलिए हम डर गए। सही है, कल जाना है भाई, कल पता नहीं है, कल 10 का एग्जाम है इसलिए थोड़ा सॉरी हो गए तो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, जर्दी कला होनी चाहिए भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई लोग, आज हमारे साथ हमारे 5-6 सब्सक्राइबर्स हैं, तो चिना लो भी आज साथ में हमारे साथ वीडियो में, फयाज भाई भी है, तो बने रहे वीडियो पे, हम बड़गाम पहुंचने के बाद आपके साथ मिलेंगे। A few moments later. तो भाई लोग, फाइनली हम पहुंच गए स्टैंड में, तो बड़गाम स्टैंड में तो देख सकते हो बड़गाम का व्यू थोड़ा। तो गाइस, यहाँ पे हम बर्फ के मजे भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे लोग बर्फ साफ भी कर रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ हम लोगों से बात करने की थोड़ी कोशिश करेंगे, तो बने रहिए। तो यहाँ कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ आप बच्चों को देख सकते हो आग जलाने के लिए लकड़ी लेके, यहाँ शायद अभी आग जला रहे हैं ये लोग, शर्मा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों को सब्सक्राइब कर। एंड मौके पे ही हमारा यहाँ पर बारिश आके कल का टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। तो गाइस, इनका इरादा था कि आज क्रिकेट खेलेंगे, तो आज बर्फ आने की वजह से इनका इरादा ही बदल गया अभी। तो ये लोग हैं जो क्रिकेट का टूर्नामेंट खोल रहे थे, इनके साथ मिल के अच्छा लगा, तो बने रहे। हम जा रहे हैं वहाँ बड़गाम के बीच गाँव में, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ मिल पहुँचने के बाद आपके साथ मिलेंगे, तो बने रहे वीडियो पे। नजारा इतना खूबसूरत आ रहा है कि, तो अभी हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बड़गाम के बीच गांव में, तो जब यहाँ रोड नहीं था तो हम यहाँ से जाते थे। तो भाई लोग आओ, हम दिखाएंगे हमने सब्सक्राइबर्स को थोड़ा व्यू। Few inches later. तो भाई लोग, अभी हम बस पहुंचने वाले हैं बड़गाम बीच गांव में, तो देख सकते हो आप थोड़ा बहुत नजारा। तो इस जगह को बोलते हैं गली। One eternity later. आज हमारे साथ मामा मोहम्मद जुड़ चुका है, तो आज उनसे पूछेंगे कि पहले जमाने के बारे में पूछेंगे, थोड़ा बर्फ के बारे में पूछेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुका है मामा मोहम्मद, भुजा सर और दूसरी। तो अंकल, आप हमें बता सकते हो कि पहले जमाने में, जब पहले जमाने में इस टाइम में इतना बर्फ पड़ता था कि पहले ही इससे ज्यादा आता था? इससे ज्यादा अभी तो यह क्या है, यह बर्फ क्या है, पहले बर्फ कम से कम 6-7 फुट पड़ते था। एक बार इधर से स्लेडिंग आ गया, वो उधर से इधर पहुंच गया, तो उस वक्त था 6 फुट बर्फ। अभी तो क्या है, अभी तो थोड़ा बहुत, अभी तो 6 इंच नहीं हो गया, इससे पहले ही आता था। इससे पहले आज 10 साल से पहले, 10 साल से पहले। दुकान आपने कब खोला था? हमने 2006 में। अच्छा, तो इसमें अच्छी खासी कमाई होती है? उस वक्त होता था, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो बहुत सारी दुकानें यहाँ खोली गई है, तो ये सबसे हमारे गांव की सबसे पहली दुकान है जो यहाँ खोल के थी। अभी तो नहीं है, अभी तो कुछ नहीं। तो शुक्रिया अंकल, आप हमारे साथ जुड़ गए,
इन्हीं थोड़ा बहुत आपने हमारे लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो थैंक यू। 80 मिनट्स लेटर। तो गाइस आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।